जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बल्गारिया के कैपिटल सोफिया में आया हूँ और यह देखें बहुत ही खूबसूरत जगह, काफ़ी पुरानी पुरानी सी बनी हुई है। ये पीछे भी ओल्ड सिटी के बाकियात आपको नज़र आ रहे हैं। वेरी नाइस, मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत 28 डिग्री है। तो अभी लंदन से आज सुबह ही मैं यहाँ पर आया हूँ, वहाँ पर तो काफ़ी ठंड थी, यहाँ मौसम काफ़ी बेहतर है। आपको दिखाते हैं बाकी शहर भी। तो ये देखें, ये ओल्ड टाउन है यहाँ पे। ये पीछे मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट, ये मेट्रो से मैं आ गया था। ये मॉस्क है, ऑटोमन एम्पायर जब यहाँ पे थी तो उन्होंने बिल्ड की थी। मॉस्क का नाम है बनिया बाशी मॉस्क। बनिया बाशी कभी इस बगेन वर्ड, इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल गर्म हमाम ये कहते हैं लोग, कि ये जो ज़मीन जिसके ऊपर ये बनी हुई है, ये एक्चुअली में एक नेचुरल थर्मल बाथ था। यानी कि यहाँ से इस जगह पे कुदरती तौर पे गर्म पानी निकलता था, अगर अभी भी किसी जगह से स्टीम शायद निकलती है तो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत खूबसूरत तारीखी जगह है। इस वक्त ये मैं मॉस्क के अंदर आ गया, आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है, एक ही हॉल है जो मेन गुंबद के नीचे है। ये मेन गुंबद है, किसका तो खूबसूरत काम हुआ है यहाँ पे। ऐसा बोल रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे बात भी कर रहे हैं। सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर जब ये यहाँ पे थी तो उस वक्त खूबसूरत जगह बनी है वजू करने के लिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हमने पढ़ ली है मस्जिद में, और ये हम बाहर निकले हैं। बहुत ही खूबसूरत, ये इनका मेन स्क्वायर है सोफिया का, जहाँ पे सारी इनकी मेन अट्रैक्शन वगैरह हैं, कि थिएटर हैं, कॉलेज म्यूनसिपल का ऑफिस वगैरह जो भी एग्जीबिशन सेंटर है। अच्छा, अभी हम मस्जिद से निकल कर यहाँ पर आए ट्रैम में बैठ के, और काफ़ी नई जगह, बहुत ही खूबसूरत पार्क बना हुआ है यहाँ पर बैठने की जगह है। जो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो यहाँ की नंबर वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो अट्रैक्शन है बल्गारिया में, सोफिया में, वो ये जगह है। थिएटर है, इसका नाम है अलेक्जेंडर नेवस्की। डाउन टाउन ये सब कुछ यहाँ पास पास ही है शहर के अंदर। ये भी मस्जिद है, यहाँ से अबाउट 10 मिनट्स की वॉक पे जहाँ पहुँचा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत एक और मेन स्क्वायर है,
fucking hot, massive, huge infrastructure in London. Vibrant or lively city, I really like it. Yes, care ke Peroni jo walls iske andar maangi aur main isko bata ki that's a presidency compound yahan pe president ka office aur so can just kind of preserve here where as much as possible to the church me up there. बहुत ही साफ सुथरा टाइडी सिटी है, हर चीज़ हमने बहुत संभाल के रखी हुई है, तो सब खुश हो रहा है। ये यहाँ की लोकल ट्रैम्स हैं। सोफिया शहर के लिए जो रेल ट्रैवल पास है एक्चुअली पूरे दिन का, वो इनकी लोकल करेंसी में 4 है और यूरोज में ऑलमोस्ट 2 यूरोज ओनली। उस पर आप मेट्रो यूज़ कर सकते हैं, ये ट्रैम्स ले सकते हैं, बसेस ले सकते हैं, जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द सिटी है आप ले सकते हैं। बहुत इकोनॉमिक बताते हैं, पूरा सिटी ऑलमोस्ट कवर करते हैं ट्रैम्स और बसेज और मेट्रोज। सोफिया में इस तरह के स्क्वायर जिसमें खुली जगहें बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे लोग शाम को आते हैं, दिन में आते हैं, फैमिली से आते हैं, और वहाँ से बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे को भी हमें रिक्वायर्ड बहुत ही
Sofia by night. ये रात का व्यू है. होटल से खाना खाना खाते हुए इस समय में निकला. बहुत खूबसूरत